आप गौर कीजिएगा कभी कभी कोई दूर बैठा हुआ हो आप उससे फासले पर हो तो आप पुकार कर कहते हैं ना कि वो सुन ले उस तक आवाज़ पहुंच जाए अब अगर कोई खुदा को इतना दूर समझे कि खुदा दूर है कभी आसमान को देख के दुआ मांग रहे खुदा आसमानों पर है तो कहाँ आपकी आवाज़ आसमान पर पहुंचेगी तो आइए पहली बात तो है कि हजरत खुदा कितना करीब है और जब हजत खुदा की कीबत समझ में आ जाए तो फिर खुदा की कीबत समझ लीजिए फरमाते हैं इमाम अली नक़ी सलात वसलाम सामर्रा से जब किसी मोमिन ने आपकी खिदमत में पे पैगाम भिजवाया कि मौला आप सामर्रा में हम बगदाद में रहते रोज़ आपके पास आ नहीं सकते आप तक तो कोई पैगाम भेज नहीं सकते कैसे आपके जरिए से अपने मसाइल को हल करें किस तरह आपका वसीला बनाकर खुदा से बात कर इमाम ने शाद फरमाया कि तुम यकीन रखो अपने मुद्दा को अपनी जुबान से अदा तो करो तुम्हारे अल्फाज तुम्हारे मुंह से निकलने के बाद तुम्हारे कानों तक बाद में पहुँचते हैं हमारे कान तक पहले पहुँच जाते अब गौर कीजिएगा आपके और हमारे मुंह और कान में कितना फासला है कितना फासला है हमारी आवाज़ यहाँ से अदा हो हमारे कान तक पहुँचे तो कितना जल्दी पहुँच सकती आप गौर कीजिएगा या तो इमाम की बात से इनकार कर दें या फिर यकीन इख्तियार कर लें कि हम अपनी बात को खुद बाद में सुनते हैं ज़माने के इमाम पहले सुनता है और जब जमाने का इमाम सुनता है तो उससे पहले इमाम का परवरदिगार सुनता है अल्लाह अकबर अब इस तस्वीर पर गौर कीजिए सुबहान समीह लई साई उन असम अमिन हो रोए जमीन पर कायनात में मखलूक में तस्वुरात में कोई शय इतना ज्यादा सुनने की सलाहियत नहीं रखती जितना खुदा रखता हद तो यह है कि वह परवरदिगार आलम शिक में मादर से बच्चे की आवाज सुन लेता हद तो यह है कि परवरदिगार आलम तमाम तर ज़मीन और आसमान के अंदर रहने वालों की आवाज सुन लेता